सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल न्यू टेक इजी में। तो दोस्तों, हम सीख रहे थे फोटोशॉप के बारे में और फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स हमारे जो चल रहे थे और उसमें हम तमाम टूल्स के बारे में सीख रहे थे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट 16 में, यानी 16वें अध्याय में। और हम तमाम टूल्स के बारे में सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पेंट बुकेट टूल और ग्रेड लाइन टूल के बारे में सीखा था, और इस वीडियो में हम बुलर टूल और इसकी प्रॉपर्टी में जो टूल है उनके बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पेंट बुकेट टूल के बारे में जो नेक्स्ट टूल आ जाता है वो बुलर टूल और सरपेंट टूल आ जाता है, और सरपेंट सॉरी संबु संबेर्ज टूल आ जाता है। इनका वर्क मैं आपको बताऊंगा एक एक वन बाय वन। तो एक्चुअली बुलर टूल का यूज होता है इमेज को बुलर करने में, आप इसके नाम से ही देख सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए ये वाली मैंने इमेज ओपन की, सॉरी ये इमेज ओपन नहीं हो रही, कोई दूसरी इमेज ओपन कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम है शायद इस इमेज में, इसलिए ये ओपन नहीं हो पा रही है। तो मैं कहीं से दूसरी इमेज ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो मान लीजिए मैं इसमें चला जाता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी इमेजेस जो है वो इसमें मिल जाएगी मेरे पास इमेजेस। और यहाँ से आप कोई भी इमेज सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको चेंज करके दिखानी है, थोड़ी बहुत सिलेक्ट करनी है। ये सब ड्रेसेस थोड़ी स्टाइल्स है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। तो मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है, ये वाली मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ सिंपली। और इस वाली इमेज में आप देखोगे आपके सामने जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली आजकल का जो शौक चल रहा है, आपने बहुत सारी इमेजेस में देखा होगा बैकग्राउंड जो है ब्लर रखते हैं और इमेज को जो है सीधा दिखाने देते हैं ताकि इमेज पर ही फोकस पड़े। तो चलिए ब्लर करना सीख लेते हैं। एक्चुअली ब्लर क्या होता है, ब्लर कई टूल्स से बताए हैं लेकिन इतना ब्लर नहीं होता इनसे, लेकिन इनसे बैकग्राउंड के लिए काफी बेटर है ब्लर करने के लिए। ये देखिए इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बड़े वाले कोष्ठक से छोटे वाले कोष्ठक से, ये दो कोष्ठक चलते हैं बड़े छोटे करने का। कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो इनसे शॉर्टकट से आप यूज करें, और आप बाकी ऑप्शन बटन पर क्लिक करके भी इनकी साइज को कर सकते हैं, यानी राइट वाले बटन को क्लिक करके, और यहाँ से भी आप इनको साइज रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ब्लर करना सिखा देता हूँ। आप सिंपली ब्लर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते जाइए, ये देखिए यहाँ पर क्लिक करना, हल्का हल्का सा ब्लर होता जाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा, थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। जब एक दो बार आप क्लिक कर दोगे उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। थोड़ी सी फोटो की सावधानी रखें, ये देखिए यहाँ से आप बारीकी से देखिएगा दोस्तों, ब्लर होता है, आपको पता नहीं चल पा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो आप उसे देखिए इमेज पर ज्यादा ना आने देता कि आपकी इमेज इफेक्टिव न हो। यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल बारीकी से हो तो आपको इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा किसी भी सिलेक्शन टूल्स की सहायता से। और इस तरह से आप देखोगे कि इधर वाले बैकग्राउंड में और इधर वाले बैकग्राउंड में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये पीछे वाला थोड़ा ब्लर हो चुका है। चलो इधर वाले को भी ब्लर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली क्लिक करते हुए आपको बार बार इस पर प्रेस करना है। मैं जो है लैपटॉप से कर रहा हूँ तो आपको क्लिक की जो आवाज सुनाई दे रही होगी, आपको भी इसी तरह से क्लिक करना है। देखिए आप ब्लर कर पाएंगे, थोड़ा सा इमेज पर जाने से बचिए और कुछ नहीं करना, इमेज ब्लर ना हो ध्यान रखिएगा, और तो कुछ खास नहीं है इसमें। ये देखिए आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने बैकग्राउंड काफी ब्लर हो चुका है और आपकी इमेज जो है काफी अच्छी दिखाई दे रही है, इमेज पर काफी अच्छा फोकस पड़ रहा है। इस तरह से आप इस बैकग्राउंड को जो है ब्लर कर सकते हैं। आपने आजकल की इमेजेज में देखा होगा बैकग्राउंड लगभग ब्लर ही रहता है, बैकग्राउंड क्लियरिटी नहीं दिखाई हुई होती, उसमें यही कारण होता है क्योंकि इमेज को ब्लर कर दिया जाता है आपको अच्छे से शो करवाने के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ से इस तरह से आप कर लीजिए, ये देखिए इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड है आप जूम करके देख लीजिए। थोड़ा सा जूम करते हैं हम, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने जो बैकग्राउंड है वो धुंधला दिखा रही है और इमेज जो है क्लियर दिखा रही है। यहाँ पर हैंड्स देख लीजिए थोड़ी बहुत, क्या पता इमेज पर आ गया हो। और यहाँ से पास में भी आप इसे ब्लर कर दीजिए, और ब्लर करने के लिए आप इस पर जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे क्लिक हो जाएगा। ब्लर करने के कुछ शॉर्टकट्स भी है जो बहुत ही जल्दी ब्लर कर देते हैं, लेकिन वो एडवांस में मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी बताने लग गया था आपके सामने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, और वो क्यों हो जाएगा वो एडवांस सीरीज में आपको बताऊंगा।
तो आप उनसे भी ब्लर कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन वो एडवांस के लिए है। तो एडवांस सीरीज जरूर देखिएगा, जब बेसिक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं एडवांस सीरीज में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, वेडिंग एल्बम बनाना और भी बहुत 3D डिजाइनिंग करना, बैनर बनाना, पोस्टर्स बनाना, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, कार्ड्स वगैरह बनाना सब आपको सिखाऊंगा, आप सीरीज देखते चलिएगा। और यहाँ पर जो सेकंड टूल होता है वो है सरपेंट टूल। एक्चुअली सरपेंट टूल का यूज कहाँ पर होता है, इसके लिए मैं दूसरी इमेज ओपन करता हूँ, मैं थोड़ी HD नहीं है तो यहीं से मैं कोई दूसरी इमेज, ये वाली इमेज ओपन कर लेता हूँ। एक्चुअली ये मान लीजिए ये वाली इमेज है, तो आप देख रहे होंगे इस इमेज पर जो चेहरा है वो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, तो इसका यूज होता है सिंपली आपके चेहरे को थोड़ा बिगाड़ने के लिए, थोड़ा सा उसे भद्दा दिखाने के लिए, उसका खराब दिखाने के लिए, या फिर आप अपने चेहरे को दिखाना नहीं चाहते उसके लिए होता है। देखिए जैसे जैसे इस पर भी आपको बार बार क्लिक करना होगा, जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे आपका चेहरा प्रोसेसिंग लेते हुए थोड़ा खराब होने लग जाएगा। यदि आपकी इमेज ज्यादा HD है तो रैम थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए आपके लैपटॉप की, ताकि प्रोसेसिंग अच्छे से करे। थोड़ा सा मेरे वाले में टाइम ले रहा है, क्योंकि नीचे भी मेरे साथ और सारे सॉफ्टवेयर जो है चल रहे हैं, तो आप इस तरह से प्रोसेसिंग करके देखोगे आपको दिख रहा होगा बारीकी से, देखिए जूम करके इसका चेहरा देखिए खराब होता हुआ दिख रहा होगा आपको। देखिए और आपको मैं क्लिक करके बता देता हूँ, ये देखिए इसकी आंखें जो देख सकते हैं आप किस तरह से खराब हो रही है, ये देखिए आपको थोड़ा सा मिनिमाइज करके देख लीजिए, ये देखिए आंखें खराब हो चुकी, जो नोज है वो खराब हो चुका। इस तरह से थोड़ा सा इमेज की जो है स्टाइलिंग वगैरह बिगाड़ने के लिए किया जाता है, इस तरह से आप और भी ज्यादा खराब बना सकते हैं। जैसे जैसे आप क्लिक करोगे तो और प्रोसेसिंग करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा जो है इश्यू आएगा इसमें, बाकी और कुछ खास यूज नहीं है इसको, चेहरे को थोड़ा खराब करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये मत समझिए कि इसका या चेहरे को कौन खराब करना चाहता है, एक्चुअली इसका यूज होता है फोटोशॉप डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा, जब आप ग्राफिक्स डिजाइन में कार्य करते हैं तो वहां पर इसका यूज होता है। मान लीजिए कोई नेम है उसको थोड़ा सा खराब करना है, तो एक्चुअली यहाँ पर जो खराब है वो उसके ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए डिजाइन बन जाती है, कहने का मतलब है यह है कि बिगड़ी का नाम फैशन, तो उसी तरह से बन जाता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ इमेज को देखिए, थोड़ा सा आपने देखा होगा कि पुरानी मूवीज टाइप पिक्चर्स बनाने में वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो ये था इसका यूज सरपेंट टूल का। और नेक्स्ट टूल को हम समझने के लिए सबसे पहले इसमें Ctrl Z कर देते हैं और इस इमेज में सारे इफेक्ट हटा देते हैं जो हमने लगाए थे, क्योंकि इसको भी हमें अच्छे से समझना है। सरपेंट टूल को हम अच्छे से समझेंगे, आई होप जो मैंने पिछले वाले सारे टूल्स बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आए हैं, सॉरी ज्यादा स्ट्रीम में जा नहीं पा रहा क्योंकि 50% से ज्यादा होंगे, यदि आपको कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही है तो एक बार बोलिएगा, मैं फिर से उस पर वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और समझाने की मैं कोशिश करूंगा जरूर। कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से बनाऊंगा आपके लिए, कि ये चैनल आपका है, जैसा आप चाहोगे वो ही चलेगा इस पर, जो आप चाहोगे वही चलेगा इस पर, आपके खिलाफ कुछ नहीं चलेगा। देखिए दूसरी इमेज ओपन कर लेते हैं, वो थोड़ी सी खराब हो चुकी थी, उसके लिए मान लीजिए यहाँ पर जो आप देखेंगे समुडेज टूल, और इस समुडेज टूल का यूज होता है एक्चुअली आपके चेहरे पर थोड़ा सा दबाने के लिए, लिप्स को थोड़ा दबाने के लिए, आईज को बंद करने के लिए, आईज को ओपन करने के लिए, थोड़ा सा आपके गालों को दबाने के लिए, आपके शरीर का बॉडी का जो भी हिस्सा थोड़ा अंदर दबाने के लिए, बाहर करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये हेयर्स आपको दिख रहे होंगे, सिंपली बड़े कोष्ठक की सहायता से आप इसे बड़ा कर लीजिए, कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा, बड़े कोष्ठक से इसे बड़ा करते हैं, छोटे कोष्ठक से सॉरी बड़े कोष्ठक से, दोनों ही बड़े कोष्ठक है यानी बड़े ब्रैकेट है, तो राइट वाले को दबाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, लेफ्ट वाले दबाएंगे छोटा होता जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन बटन या राइट बटन को क्लिक करके आप यहाँ से इसको साइज रिसाइज दे सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसकी साइज या रिसाइज दे सकते हैं। मान लीजिए हमें कुछ दबाना है इस इमेज में, यहाँ से इसको दबाना है तो आप इस तरह से इसको दबा सकते हैं। आपके सामने देखिए ब्लर होता हुआ चल रहा है, ये एक्चुअली कट नहीं रहा है, ये दब रहा है, तो इसमें इस तरह से आप दबाएंगे, थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, ये देखिए इस तरह से आपकी इससे को जो है ये दबा देगा, ये देखिए बालों को एक्चुअली दबाता चल रहा है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए कट नहीं कर रहा है, इनको दबा रहा है थोड़ा अंदर की ओर आपको लेना है, थोड़ा सा इस तरह से देखिए आप कर पाएंगे, और इस तरह से आप अंदर की ओर इन्हें दे सकते हैं, ये देखिए, और ये हाथ पूरा अंदर की ओर देना है, इस तरह से आप दे सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे किस तरह से इस इमेज की स्टाइल है जो बिगड़ चुकी है, और ये देखिए इसको फिर से बाहर की ओर कर देते हैं, थोड़ा सा देखिए मोटा हो गया, थोड़ा सा और छोटा कर दे, थोड़ा सा और छोटा कर दे, थोड़ा सा ज्यादा हो, इस तरह से आपकी इमेज को खराब करने के लिए इसका यूज भी होता है। और एक्चुअली
फनी इमेजेस बनाने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। आपने देखे कार्टून टाइप इमेज होते हैं फनी इमेजेस, उसमें सिर मोटा कर देता, आंखें छोटी कर दी जाती है, किसी भी भाव को मोटा छोटा बड़ा चौड़ा लंबा ऊंचा नीचा ये करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर थोड़ी देखिए, आईज में आपको क्लोज करके बताता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, बारीक कर लीजिए बिल्कुल आईज की टाइप, और इस आईज को नीचे खींच कर लाइए, देखिए ओपन हो रही है थोड़ी थोड़ी आईज। अब ज्यादा तो इफेक्ट नहीं डाल सकते, पर थोड़ा बहुत इसमें डाल सकते हैं, किसी को बिल्कुल बारीकी से पता नहीं चल पाएगा। ये देखिए आपको इस आंख को बंद करना है, ऊपर से ले आइए नीचे थोड़ा 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 थोड़ा, इस तरह से आप लेकर इसे जो है क्लियरिटी दे सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से, और इसके आईज को जो है बंद कर सकते हैं, या फिर आप किसी शरीर के हिस्से को छोटा मोटा चौड़ा लंबा कर सकते हैं। मान लीजिए लिप्स है, उसको हमें थोड़ा सा बंद करना है, तो इस तरह से आप बंद कर सकते हैं, या फिर इनको दांतों के तले दबाते हुए देखना है। देखिए दांतों के तले थोड़ा थोड़ा दबते हुए दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा ले लीजिए, 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 ऊपर से थोड़ा ले लीजिए, पूरे मुंह को बंद कर दीजिए आप चाहे तो। बाकी ये देखिए ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, आप थोड़ा थोड़ा ही चेंज करें। ये देखिए इस तरह से इस इमेज बुरी तरह से खराब कर चुका है। ये देखिए आपका नोज आउस माउथ इस तरह से खराब कर सकता है। कंट्रोल एल्ट जेड कर देते हैं हटाने के लिए, 50% से ज्यादा स्ट्रिप नहीं जाएगी कंट्रोल एल्ट जेड से भी। उसके लिए आप स्ट्रिपर्स टूल का यूज करिए, जो कि मैंने पहले बताया था पिछले अध्यायों में कि स्ट्रिपर्स टूल क्या होता है, और इसको जो है आप थोड़ा सा और साइज रिसाइज करके देख लीजिए। ये देखिए इतना बड़ा मैं करता हूँ, और इस पूरे इमेज को थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, तो इस तरह से थोड़ा सा बड़ा जब आप करोगे तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग ले सकता है, बाकी कुछ नहीं है, आपके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं देगा ये। और इस तरह से देखिए आप देख रहे होंगे इस इमेज में थोड़ा सा इफेक्ट आ चुका है, जो आपको बारीकी से देखना होगा तभी आपको पता चलेगा। तो ये थे जो है आज के टूल्स के बारे में छोटी सी जानकारी, और हम नेक्स्ट टूल्स के बारे में जो जूम टूल है उनके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और फिर पेन टूल के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली पेन टूल कहा जाता है कि पेन टूल की वजह से फोटोशॉप आज तक जिंदा है, वरना फोटोशॉप से बेटर सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, लेकिन पेन टूल सिलेक्शन टूल्स है ज्यादातर इसमें, इसी कारण ये जिंदा है। लेकिन पेन टूल को फोटोशॉप की आत्मा कहा जाता है, पेन टूल को फोटोशॉप की आत्मा कहा जाता है, कि ये फोटोशॉप यदि जिंदा है आज तक लोगों के दिलों में, लोगों के जो है जिंदगी में, या फिर कंप्यूटर की जिंदगी में, और कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर एडिटिंग की इसको आत्मा कहा जाता है फोटोशॉप को, और फोटोशॉप की आत्मा कहा जाता है इस पेन टूल को। तो पेन टूल के बारे में हम जो है एक दो अध्याय करने के बाद में समझेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा उससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे सेकंड लास्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतनी छोटी सी जानकारी टूल्स के बारे में, और आप सीखते रहिए हमारे चैनल से, और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी सीख सके इस टेक्नोलॉजी के बारे में। आप कोर्सेज के लिए पैसे देने जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा, और मैं यहाँ पर फ्री में आपको कोर्सेज करवा रहा हूँ, सारे कोर्स करवाऊंगा। आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए ग्राफिक्स डिजाइन के कोर्स लेके आऊंगा, वीडियो एडिटिंग के कोर्स लेके आऊंगा, ऑडियो सॉन्ग डीजे मेकिंग सॉन्ग इनके कोर्सेज लेकर आऊंगा, सारे कोर्स आपके लिए लाकर रख दूंगा, और मित्र वगैरह आधार कार्ड बनाने के जो है वो सारे लेकर आऊंगा मैं आपके लिए वीडियोस। लेकिन धीरे धीरे हम सीरीज बाय सीरीज चलेंगे, ताकि जो भी सीखे पूरा सीखे, हम आधा अधूरा न सीखे, कि एक वीडियो देख ले पैन कार्ड बनाने का क्या मतलब हुआ उससे, पैन कार्ड बनाना तो आप मित्र की दुकान खोल लोगे, नहीं आपको पूरा वर्क आना चाहिए मित्र का, तब आप सीखोगे। तो सारे वीडियोस कंप्लीट चैप्टर बाय चैप्टर देखिए, आप फोटोशॉप को सीख लोगे और कोरल ड्रॉ को सीख लोगे, तो आप इतने बेहतरीन ग्राफिक्स डिजाइनर बन जाओगे कि बिना किसी कंपनी बिना घर छोड़े आप कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपए तक का कलेक्शन घर बैठे कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो आप पूरा सीखिए। राजस्थान में एक कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, न मामा न हो तो कानू मामू ही चोको, यानी आपके पास कुछ नहीं है उससे अच्छा कुछ तो है आपके पास, तो थोड़ा बहुत सीखिए लेकिन अच्छे से सीखिए उसको। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।